अभी सब लोग सोए हुए सोसाइटी में, इसके लिए मैं बाइक बाहर आके चालू किया, अंदर चालू करता था पर आवाज़ अंदर इको होता है, इसके लिए मैंने चालू भी नहीं किया इसको अभी। अभी हमारा पहले वाले प्लेयर आ गए ब्रो, दिसतो है कभी माझा कॅमेरा मध्ये? मतलब एक जन अभी आ रहा है बाइक लेके और एक जन है मेरा दोस्त है, वो हम लोग को बोरिवली ईस्ट में या फिर दहिसर किधर किधर तो मिलने वाला है। अभी हम लोग निकलते हैं, तो अभी ये कैमरा के पीछे प्रतीक है डांसर, तो लास्ट हम लोग गोराई बीच का वीडियो बनाए थे उसमें यही था। व्हाट्सअप और एक दोस्त था जो डांस कर रहा था, तो बस अभी निकलते वो आ रहा है, आके हम लोग निकलते आगे कंटिन्यू करते। और हम लोग का सेकेंड राइडर पॉपा इधर सेलर मैन, अच्छा नहीं ये फर्स्ट राइडर है, सेकेंड राइडर आ रहा है इसने लेट किया है, और दूसरा जो पार्टनर आ रहा है वो भी लेट कर रहा है, तो अभी देखते हैं आगे हम लोग जाते हैं, अभी कंटिन्यू करते हैं, वो मिलने वाला अभी ईस्ट में, वो निकलते हैं बस यहाँ से। सो स्टार्ट करते राइड को, और स्टार्ट करती नारियल गिर गया जहाँ पे से, मतलब बाइक चलाने के पहले जैसे, मतलब ट्रैवल के पहले जैसे नारियल फोड़ते हैं वैसा ही सीन था, ऊपर से नारियल गिरा हम लोग का जर्नी स्टार्ट होने के पहले। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माई चैनल, तो आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ पेल्हार डैम करके, हम लोग ने सोचा है, पूरा कंफर्म नहीं है अभी तक पर देखते डिसाइड करते, ऑलमोस्ट तो 99.9% ये कंफर्म है कि हम लोग पेल्हार डैम जा रहे हैं, तो बस अभी निकलते हैं। और एक्चुअली मेरा ऐसा पहला ही राइड है जो मैं इतना मतलब सुबह सुबह निकल रहा हूँ ऐसे राइड पर, तो बहुत मज़ा आने वाला है ये राइड पर मुझे, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है पर फिर भी मतलब है पहला राइड है तो एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं निकला हूँ और बहुत मस्त क्लाइमेट है, मतलब पूरा ठंडा है, हवा एकदम ज़ोर से लग रहा है। तो हम सबसे पहले तो अभी जा रहे हैं मल्हार के यहाँ पे, तो मेरा फ्रेंड आने वाला है, वो उठा ही नहीं है कब से, उसको कब से कॉल कर रहे हैं हम लोग, उठा ही नहीं रहा है वो, उसके लैंडलाइन तक कॉल किया था लैंडलाइन भी नहीं उठा रहा है वो। तो अभी हम लोग ने सोचा ऐसा कि जाते हैं पहले उसके घर पे, मतलब बिल्डिंग के नीचे जाते हैं, देखते हैं उसको इंटरकॉम्स वगैरह फ़ोन करते हैं या फिर कुछ तो ट्राई करते हैं कॉल करने का, और इस नहीं उठ रहा है तो फिर क्या, अभी छोड़ो जाने दो, वैसे निकलना पड़ेगा। तो हम लोग इसके बिल्डिंग के नीचे आ गए, नीचे रुके, लाइट इधर से आ रहा है, उसके बिल्डिंग के नीचे रुके, इंटरकॉम से उसको फ़ोन करके उठा रहे, देखते घर पे कोई उठाएगा तो ठीक है, वरना जाके ऊपर नॉक करना पड़ेगा, चिल्ला चिल्ला के बुलाना पड़ेगा, पूरे बिल्डिंग को जगाना पड़ेगा। अंकल फ़ोन कर रहे हैं यहाँ से, क्या उठा रहे कि नहीं उठा रहे? नहीं उठा रहे तो जाके दरवाज़ा को ठोकना पड़ेगा, जाके ना ऊपर जाके, इसको घर वाले पहचान दे, उसके मेरे को भी पहचान दे, पर मैं ज़्यादा गया नहीं था इसके लिए मैं ऊपर नहीं जा रहा, इसको भेज रहे ऊपर, तो घर वाले उठ के हम लोग को मारेंगे अभी, वरना अगर मल्हार नीचे आया, मतलब हम लोग का फ्रेंड नीचे है उसका नाम मल्हार है, वो नीचे आया तो हम लोग उसको मारेंगे। पर्सनल अलार्म डाल उसकी इधर, पर्सनल अलार्म हम लोग ने ऊपर जाने का सोच लिया, नहीं जाएगा उसको ही बकरा बना रहे। अरे जा रहे तुला तो ओळखत सगळे तिच्या घरातले, उसके घर वाले वो काम कर, चल छुट्टे अब तू भी छुट्टे यार, छूट ले जास्ती की मेजोरिटी, तू ही जाने वाला है, मतलब नसीब को भी यही चाहिए था कि तू ही जा, चल फटफट जा, काम कर, कैमरा लेके जा, मार वार खाएगा तो मेरे को कंटेंट मिल जाएगा, तो मार मतलब मार में खाऊ और कंटेंट तेरा बनेगा, तो जा लेके जा, मैं जाऊंगा और मार खाए तो बता है तैयार हम। मल्हार ला उठवा ना, प्रतीक प्रतीक हाँ उठला काय रे सकाळी असं त्याने बोलवलेलं कोणी मल्हार ने सकाळी सकाळी जेवढे काय सरप्राईज येते काय आलं उठला काय उठ भी गया था ऊपर इसके रिस्पॉन्स उसको मारा वगैरह कुछ नहीं है सेफली नीचे आया है। कितना बजे? 6:10 सवा छः
6:15 हो गया अभी, तो अभी हम लोग ये लोग ये नीचे आने के बाद हम लोग निकलते यार। दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर। अरे बात है, कसे फटके कसे खायचे तुला? खाणार का आता एकत्र की काय करायचं? रात्री किती वेळा फोन केला? 5 निघायचे होते, इकडे किती वाजले? 6:30 मुबडा। लेट होगा हम लोग को वैसे तो, पर कुछ इतना इशू नहीं है, पास में जाना। वैसे भी मैं तो उन लोग को बोला था कि लेट ही निकल गए लड़के थोड़ा, और अभी ऐसा हुआ कि मेरी मन की हो गई है। काशीला ना वसईला होतो आपण। तो अब स्टार्ट करते, तो मेरा एक मजबूत वाला पचका हो गया था। तो सीन ऐसा हुआ था कि मैंने ये लोग को बोला था कि पेट्रोल पंप पे आने के लिए, तो पता नहीं क्यों मेरा तो एक्शन कैमरा का कुछ तो सीन हो गया था, मतलब वो स्लो मोशन पे चला गया था। तो मैं वो वहाँ पे बिल्डिंग के नीचे रुक के सेटिंग कर रहा था उसका, तो मुझे लगा ये लोग जाके पेट्रोल पंप तक रुके के करके, पर ये लोग को मैं आया यहाँ पे पेट्रोल पंप के यहाँ पे देखा तो कहीं पे दिख रहे भी नहीं थे मुझे। तो मैं 2 रुका था इसे लोग के आने के लिए, पर क्या पता आए नहीं। तो मैं सोच रहा चलो पेट्रोल भर लेता, इसलिए मैं गया सीधा पेट्रोल भर दिया और पेट्रोल भर के रुका था। फिर भी एक इधर कुछ दिखाई नहीं दे रहे थे, और सीन ऐसा था कि मैंने फ़ोन अपना प्रतीक को दिया था, उसको बोला था कि तू ट्रैवल करते टाइम वीडियोज निकाल थोड़ा, मतलब मैं उसको अपलोड कर पाऊँगा। तो फ़ोन भी नहीं था मेरे पास, तो फाइनली कैसे कैसे करके मैंने एक तो था अंकल वहाँ पे, उनसे फ़ोन लिया और कॉल किया, तभी जाके इनको पता चला कि मैं इधर रुका। तो मैं अभी कश्मीर फ्लावर क्रॉस करके आ गया है, और अभी बहुत सही क्लाइमेट है, मतलब एकदम पूरा ठंडा लग रहा है और बाइक चलाने में कुछ अलग ही मज़ा आ रहा है। और ये राइट साइड में सुबह ऐसे बहुत सारे बाइक, लेफ्ट में सनराइज हो रहे हैं, बहुत सही दिख रहा है, कैमरा में एक्चुअली दिख रहा नहीं होगा क्लियर, बट बहुत ही मस्त लग रहा है देख के सब। तो मेरा पहला सनराइज होगा बाइक के ऊपर ऐसे जाते हुए, और ये राइट साइड में फाउंटेन, और ये स्ट्रेट हम लोग को वसई से क्रॉस करना है साइड में स्ट्रेट, और ये सनराइज साइड में देख सकते हैं। लाइटली दिख रहे हैं बट मस्त कवर हो गया, क्लाउड्स के अंदर फॉग है वापस शायद से, यहाँ पे ठंडी बहुत रही है इसकी वजह से पूरा फॉगी हो जा रहा है। अरे अकेले घूमने वाले राइडर्स, ओ दोनों घूम रहे साले लोग, दोनों घूम रहे, जब से देख रहा आगे रहे पीछे ही मेरे को लग गए, ओ सबसे आगे तू रहे उसके पीछे तू और मैं लाल भी मैं घूमने की इसको बोलते प्रॉपर प्लान। अभी हम लोग ये कहीं पे तो आके हाईवे पे रुके,
और हम लोग को हिसाब से हम लोग किधर जा रहे 64 किलोमीटर आगे चिंचोटी उधर चारोटी पड़ता है बोलते चिंचोटी और हम लोग ऑलरेडी चिंचोटी का 9 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और ये बोल रहे हैं आगे 64 किलोमीटर चिंचोटी है। फिक्स नहीं हो रहा कि जाना किधर है। ये ब्लॉगर इसने सोचा था मैंने सोचा था पर वो बहुत पास में ही निकला मतलब अभी हम लोग का ऐसा हो गया कि राइड करते करते इतना मजा आ रहा है कि हम लोग सोच रहे 15 किलोमीटर जाने से अच्छा और थोड़ा आगे चले जाते कि निकल दे ना इधर से आगे लेफ्ट ले लेंगे तो सीधा लद्दाख पहुंच जाएंगे। पेट्रोल का रेट भी कम रख गया है। ब्लॉगर मैं था ये बन गया लाइव ऐसा है कि अब ये मेरा ऑडियो पल्लर ने डिसाइड किया है कि पल्लर जाएंगे ये मल्लर ने डिसाइड किया पल्लर ही जा रहा है क्योंकि इसका गियर बॉक्स से ऑयल भी लीकेज हो तो फिर हम लोग ने आगे थोड़ा जाने का प्लान किया था बांद्री लेक तक वहाँ पे नहीं जा रहे अभी यहाँ पल्लार पे ही जाएगा और वहाँ से रिटर्न जाएगा। बाबूराव रेडी हो रहा है सेम डिटो बाबूराव दिखता है पहले बाबूराव बाबूराव मोड ऑन ऊपर इसका बाबूराव रेडी हो रहा है बाबूराव का स्टाइल है सेम अरे सेम डिटो तो बाबूराव दिखते हैं चले गए अरे भाई क्या है
दो जन मिले सब्सक्राइबर के लिए, मैंने सब्सक्राइब किया मेरे कैमरा का, तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लोग अंडर वाटर वगैरह चालू वाला है। मेरे कैमरा का विसर्जन इधर क्या शूट करें इनको ही पता है। Later. So, अभी हम लोग डैम पे से निकल गए। मेरा कैमरा का बैटरी पूरा ड्रेन हो चुका था, इसके लिए मैंने कुछ शूट भी नहीं किया था। वहाँ पे फ्रेश वगैरह हो गया और फिर निकल गए फटाफट, ज़्यादा टाइम था नहीं रुकने के लिए क्योंकि बहुत लेट हो गया था हम लोग। तो बस हम लोग अभी निकल गए। अगर ये वीडियो को पूरा भी एंड तक देखी लिया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अगले किसी अच्छे ट्रैवल डेस्टिनेशन पे, तब तक के लिए बाय।